हाय स्टूडेंट्स, सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 45 का सब सेक्शन 1 और अदर सेक्शंस कि सेक्शन 45 एक्चुअली चार्जिंग सेक्शन है फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन, करेक्ट? तो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो अपनी किताब लेके आते हैं पहले इनकम टैक्स की। तो देखो इनकम टैक्स की मैं किताब लेके आता हूँ, आगे मेरी जो मैंने लिखा हुआ है ना इसमें, तो मेरी किताब आ गई। तो इस किताब में क्या लिखते हैं, तो सेक्शन पहले आ गया 45, उसके बाद सेक्शन 45 इन डिटेल सब सेक्शन 1 का डिटेल आएगा। देखो, एनी प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, तो उसको मतलब ये कहते हैं कि कोई भी प्रॉफिट हो, कोई भी गेन हो, अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब हम पहले से ही प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं, ऑफ अ कैपिटल एसेट, तो कैपिटल एसेट का मीनिंग भी हम देख चुके हैं, इफेक्टेड इन द प्रीवियस ईयर, तो मतलब जो भी प्रीवियस ईयर आपका हो, अभी का, बाद का, कोई भी प्रीवियस ईयर हो, जिस प्रीवियस ईयर में आपने वो ट्रांसफर किया, सेल किया, शाल सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, 54 बी, 54 डी, 54 ई, 54 ई ए, 54 ई बी, 54 एफ, 54 जी एंड 54 एच। तो ये सारे सेक्शंस आपको क्या बताते पता है कि सेव अदरवाइज, मतलब ये सारे सेक्शन इज एग्जम्पशन सेक्शन, मतलब ये जो गेन होता है कैपिटल गेन से ये एग्जम्पशन माइनस कर सकते हो, सेव अदरवाइज बोला है ना। तो जो भी गेन होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उसमें से ये सारे एग्जम्पशन क्या करो, माइनस करो, एंड बी अ चार्जेबल टू द इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन। तो वॉट एवर द योर प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एसेट, फर्स्ट उसमें से आपको ये एग्जम्पशन डिडक्ट करना है, और जो भी बचेगा इट विल बी अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन्स एंड शाल डीम टू बी अ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस, मतलब जिस साल में आपने ये एसेट को बेचा वो उस साल का इनकम बनेगा, जिस साल में आपने ये एसेट को बेचा है उसी साल में उस वो आपका क्या बनेगा, इनकम बनेगा। तो सेक्शन 1 इज वेरी वेरी आपको बताता है कि हाँ भाई बेचो, बेचने के बाद एग्जम्पशन ले लो, एग्जम्पशन में जो भी गेन रहेगा वो उसी साल में आपको टैक्सेबल होगा, वो टैक्स उसी साल में उसका पे करना पड़ेगा, बट सम एक्सेप्शंस आर देयर टू दिस लाइन, वो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। तो नाउ वी हैव टू गो द ऑन नेक्स्ट पेज। तो आगे हम हमारे नेक्स्ट पेज पे, तो नेक्स्ट पेज पे आएगा सेक्शन सब सेक्शन 1A। तो देखो क्या लिखता है, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1, मतलब सब सेक्शन 1 को धक्का नहीं लगाने का आपको, वही क्या रहेगा आपको, सब सेक्शन 1 को कोई हाथ नहीं लगाने का, द सब सेक्शन 1 रिमेन कॉन्स्टेंट, तो उसको पकड़ के आपको ये सारी प्रोविजंस देखनी है। Where the any person receives at any time during the previous year any money, मतलब किसी भी इंसान को previous year में पैसा मिलता है, या कोई asset मिलती है, asset के बदले में asset मिलती है, asset के बदले में पैसा मिलता है, under an insurance, मतलब आपने उसका insurance लिया था, आपने उसकी policy ली थी, under that you will get the money और under that you will get the asset from an insurer. On account of damages, on account of damages, मतलब एसेट को डैमेज हुआ तभी तो हम इंश्योरेंस लेते हैं, एसेट को डैमेज ना हो या हमारे पास पैसा नहीं रहता डैमेज रेक्टिफाई करने के लिए तो हम उसका इंश्योरेंस लेते हैं। तो कुछ डैमेज हो गया उसके बदले में उस इंश्योरेंस में, और उस डिस्ट्रक्शन हो गया एसेट का, मतलब खराब हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो कोई भी कैपिटल एसेट के बदले में दूसरा कोई एसेट मिलता है और वो डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, डिस्ट्रक्शन मतलब वो खराब, वो डिस्ट्रॉयड, वो डैमेज क्यों होता है एज अ रिजल्ट ऑफ, उसी के लिए तो हम पॉलिसी ले लेते हैं, फ्लड, टाइफून, हरिकेन, साइक्लन, अर्थक्वेक एंड अदर कन्वुलजन ऑफ नेचर, कन्वुलजन ऑफ नेचर मतलब अप एंड डाउन ऑफ द नेचर्स, कुछ हो गया उससे तो कुछ नुकसान हो गया तो आपको या तो एसेट के बदले में एसेट मिलेगा या तो पैसा मिलेगा, राइट और सिविल डिस्टर्बेंस, दंगे फसाद हो गए, एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन, अचानक आग ही लग गई आपके बिजनेस में, एक्शन बाय द एनिमी और एक्शन टेकन इन कॉम्बैटिंग एन एनिमी विदाउट और विद अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, चलो बॉम्ब गिर गया आपके घर के ऊपर, उन्होंने बोला ना एक्शन ऑफ एनिमी, यस और वॉर हो या ना हो
उस कुछ चीज में आपका कुछ नुकसान हो गया तो. सो दीज आर द फोर टाइप ऑफ द नुकसान, दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द नुकसान. उस नुकसान के अगेंस्ट आपको कुछ पैसा मिलता है, कुछ एसेट मिलता है, तो वो टैक्सेबल कब करोगे? क्योंकि एसेट के बदले में एसेट मिल गया, ट्रांसफर तो हो गया. उसमें देखा था हमने ट्रांसफर, एक्सचेंज, सेल, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, वॉलेंटरी, और हमने ये देखा था रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स, ये सारे तो हमने देखे थे ना, तो उसी का एक पार्ट है. आगे, देन द एनी प्रॉफिट एंड गेन अराइजिंग फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच मनी और अदर एसेट शाल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन. तो कोई भी इस एसेट के बदले में एसेट मिलता है और उसमें प्रॉफिट होता है, उसमें गेन होता है, तो वो आपको चार्ज करना है अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन. बट कब करोगे? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आज हमने क्लेम डाल दिया इंश्योरेंस कंपनी में, तो इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम हमें दो साल बाद मिलेगा तो क्या करोगे, एक साल बाद मिलेगा तो क्या करोगे? इस साल में आग लगी और क्लेम अगले साल मिल गया, मेरे हाथ में पैसा ही नहीं, तो गेन कहां से, टैक्स कहां से भरूं मैं? तो वो क्या कहते, देखो, वो कैपिटल गेन शाल बी अ डीम टू बी द इनकम ऑफ द सच पर्सन. ओके, उस पर्सन का इनकम रहेगा कब? प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर वो जो एसेट का पैसा मिलेगा वो कौन से ईयर में, तो वहां पे लिखा है इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच मनी और अदर एसेट वॉज रिसीव्ड. जिस साल में वो आपको पैसा मिला है, जिस साल में वो आपके एसेट मिला है, आज जल गया, आज आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा अगले साल मिल गया, तो आपको वो जो टैक्सेबल होगा वो अगले साल होगा, इस साल में नहीं. जिस साल में जला उस साल में नहीं, जिस साल में एक्सीडेंट हुआ, जिस साल में डैमेज हुआ उस साल में नहीं. उस डैमेज का कॉम्पेंसेशन कौन से साल में मिल रहा है, उस साल के लिए, उस साल में वो सारी कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा. तो आपको मिला एसेट, मिला ये मिला, तो कंसिडरेशन क्या मिला आपको, उसके अगेंस्ट पैसा मिला, पैसे का तो वैल्यू आ जाएगा, बट एसेट के बदले में एसेट मिला तो वैल्यू नहीं आएगा, तो उसके लिए नीचे लिखा हुआ है. तो फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 48 ही आपको देता है, सेक्शन 48 आपको पूरा कैलकुलेशन का पार्ट देता है कि कैसे कैलकुलेट करना है गेन का. द वैल्यू ऑफ एनी मनी और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी अदर एसेट ऑन द डेट ऑफ सच रिसीट शैल बी द डीम टू बी ए फुल वैल्यू कंसिडरेशन. तो वो कहता है कि कोई भी पैसा मिला या फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट मिला ऑन द डेट ऑफ रिसीट शैल बी द डीम टू बी अ फुल वैल्यू कंसिडरेशन, मतलब वही आपका फुल वैल्यू कंसिडरेशन रहेगा. रिसीव्ड एंड अक्रूइंग एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट. तो इन शॉर्ट इसमें आपको ये चीज जरूर मिलती है कि भाई ये सेक्शन बता रहा है कि अगेंस्ट आपको इंश्योरेंस के अगेंस्ट आपको पैसा मिले या एसेट मिले, बट जिस दिन ये एसेट डिस्ट्रक्ट हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, उस प्रीवियस ईयर में नहीं, जिस प्रीवियस ईयर में ये सबको आप सब कुछ आपको मिल रहा है, उस प्रीवियस ईयर में क्या हो जाएगा, ये सारी चीज टैक्सेबल होगी और उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा. ठीक है बच्चों, तो विल जंप ऑन द नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन टू, सॉरी सब सेक्शन 1B को जाते हैं. तो हाय स्टूडेंट्स, ये देखो अपने पास सेक्शन आ गया, सेक्शन 1B, सेक्शन 45 सब सेक्शन 1B आ गया. तो क्या कहते हैं, नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन वन, वही ये सेंटेंसेस की एक को धक्का नहीं लगाने का. वेयर एनी पर्सन रिसीव्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एनी प्रीवियस ईयर द अमाउंट अंडर द यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी. आपको कैपिटल एसेट समझाया था मैंने, उस टाइम पे ये आया था कि जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको एग्जम्पशन नहीं मिलता है सेक्शन 10D में. क्यों? क्योंकि वो फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो उसको एप्लीकेबल होता है, इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑफ सच पॉलिसी. मतलब ये फोर्थ और फिफ्थ प्रोविजो क्या है, जब ये पॉलिसी का प्रीमियम 2.5 लाख से ऊपर हो, तो 2.5 लाख से ऊपर हो तो वो आपकी कैपिटल एसेट होता है, और जब भी इससे पैसा मिलता है तो वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होता है. देन, और ये सारी पॉलिसीज कब की होनी चाहिए, आफ्टर सॉरी 1 अप्रैल 2021 के बाद वाली पॉलिसी के बारे में चल रहा है ये सब. देन प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम द रिसीट ऑफ सच अमाउंट by the such person shall be a chargeable to the under the head of capital gain. ठीक है, तो कोई भी आपको पैसा मिलता है इसके अगेंस्ट, उस पॉलिसी के अगेंस्ट पैसा मिलता है, इट विल बी अ टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ कैपिटल गेन. अगेन, शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ सच पर्सन ऑफ द प्रीवियस ईयर
इन विच द सच अमाउंट रिसीव्ड। पॉलिसी आज निकाला, दो साल बाद अपने पैसा विड्रॉ किया पॉलिसी से। एक्चुअली इन पॉलिसी का प्रॉब्लम ये है कि ये 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है, 5 साल बाद ही पैसा निकाल सकते हो। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है कि उसमें आप पार्शल अमाउंट निकाल सकते हो। पार्शल मतलब आपको पूरा अमाउंट नहीं लगने वाला, तो आधा अमाउंट निकाला, आधा अमाउंट आपने रख दिया, तो ठीक है, पार्शल अमाउंट भी टैक्सेबल होगा। मतलब जब भी आप टुकड़ों में लोगे तो भी टैक्सेबल होगा, पूरा लोगे तो भी टैक्सेबल होगा। एंड इनकम टैक्सेबल शैल बी कैलकुलेटेड इन द सच मैनर एज द केस मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द रूल 8AD में लिखा हुआ है कि उसको कैलकुलेट कैसे करना है, उसका अमाउंट टैक्सेबल कैसे करना है, रूल 8AD में लिखा हुआ है। कुछ नहीं है, पैसा कितना मिला और प्रीमियम कितना डिपॉजिट किया। पैसा कितना मिला, मान लो कि आपको पैसा 2 लाख मिला और आपने प्रीमियम 1 लाख रुपए पे किया, तो 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख के ऊपर आपका टैक्स आएगा। 1 लाख के ऊपर आपका क्या आएगा, टैक्स जरूर आएगा। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म टैक्स डिसाइड करने के लिए हमें ऑलरेडी हमने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्रोविजन देख लिया है, ठीक है। तो चलो इसके ऊपर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हाय स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल आ गया। तो ये देखो, ये आ गई मिस्टर लीली, सॉरी मिस लीली आ गई। लीली कहती कि मुझे यूएलपी निकालना है, तो मुझे पैसा डिपॉजिट करना है। तो देखिए, शी हैज टेकन ए यूएलआईपी प्लान फ्रॉम द एचडीएफसी लाइफ ग्रुप ऑन 1st of May 2021। May 2021 के बाद ही है, क्योंकि ये 21 के बाद ही ये प्रोविजन अप्लाई हुआ था। हैविंग अ प्रीमियम ऑफ ₹3,10,000। 3,10,000 क्यों लिया, क्योंकि सेक्शन 10 और 10D का प्रोविजन ये कहता है कि उसको एग्जम्पशन क्यों नहीं अप्लाई क्यों होता है, क्योंकि उसका प्रीमियम जो मंथली और ईयरली प्रीमियम होता है वो 2.5 लाख से ऊपर है। तो यहाँ पे तो मैंने 3,10,000 लिया ना, तो इसलिए तो 3,10,000 से उसने 1st of May 2021 से पॉलिसी स्टार्ट कर दिया, एवरी ईयर वो भरती गई। तो अभी क्या, अभी तो कुछ टैक्सेबल नहीं, बट जब वो पैसा निकालेगी तब टैक्सेबल। तो आगे देखो, शी हैज विद्रॉन द ऑल मनी ऑफ द पॉलिसी ऑफ ₹21,60,800। 21,60,800 रुपए उसने पॉलिसी ले लिया एज ए मार्केट वैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ सरेंडर। सरेंडर के टाइम पे जिस दिन वो मार्केट वैल्यूएशन था वो वैल्यू है, और कब था वो वैल्यू, 16th of December 2026। तो मतलब 5 साल हो चुका है, तो मतलब लॉकिंग पीरियड होता है ना। फॉर द पर्पज ऑफ हर एजुकेशन, उसके एजुकेशन के लिए उसने वो पॉलिसी का अमाउंट निकाल लिया। तो टैक्सेबिलिटी कैसे करोगे, तो कब निकाला आपने, 16th December 2026, तो मतलब ये साल आ गया 26-27, 26-27, ये साल कौन सा आ गया, 26 और 27। तो देखो, so as per the section 45(1)(b), profit received on this will be taxed under the head of capital gain, ठीक है, जो भी profit होगा वो calculate करेंगे। अभी profit कैसे होगा, 3,10,000, 5 साल तक pay किया है ना, 5 साल हो रहा है, देखिए 21 को लिया था, 26 को बंद हो गया, और 12 महीने मतलब हो गया, तो 5 साल आपने पैसा कितना डिपॉजिट किया, तो 3,10,000 इंटू 5, 3,10,000 इंटू 5, तो आपका आता है 15,50,000। 15,50,000 का पैसा कितना मिला आपको, 21,60,800। तो 21,60,800 माइनस 15,50,000 माइनस करो, जो भी आएगा दैट विल बी योर कैपिटल गेन। ये मैं नहीं बता रहा हूं, रूल 8D बता रहा है, रूल 8AD बता रहा है कि ऐसा ही कैलकुलेट करना है। सरेंडर वैल्यू जो भी वैल्यू होता है उसमें से जितना प्रीमियम पे किया वो और डिडक्ट करो, ठीक है। तो ये आ गया आपका, फिर बाद में इसमें लिखा है, हाय स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो हम आगे का सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2। सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, तो ये पहले से हम देख चुके ट्रांसफर के डेफिनेशन में, कन्वर्जन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड। तो देखो, तो वही सेंटेंस है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 को हिलाना नहीं आपको, अभी उसका तो वह रहेगा ही रहेगा, उसका एग्जम्पशन आपको मिलेगा मिलेगा ही। मतलब आगे लिखा है, प्रॉफिट और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर बाय वे ऑफ कन्वर्जन बाय द ओनर कैपिटल एसेट। कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब क्या है कि आपको कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करना है, कैपिटल एसेट कन्वर्ट इनटू एंड इट्स ट्रीटमेंट बाय वे ऑफ इन स्टॉक इन ट्रेड। तो कैपिटल एसेट को आपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया, टू रन माय बिजनेस, टू रन योर बिजनेस, बिजनेस जो चलाता है उसमें लगाया, तो ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर होता है। बट टैक्स कब भरोगे, क्योंकि क्या होता है ना, अभी दिमाग देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आता है लॉजिकली, आज मेरे पास एसेट है, मैंने वो स्टॉक ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया, बट बेचा तो नहीं है ना अभी तक।
आज मेरा एसेट है, मैंने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, बट बेचा तो नहीं है एसेट, और जब तक बेचूंगा नहीं तब तक बच्चों पैसे तो नहीं आएंगे, तो क्या टैक्स कैसे पे करूंगा? तो इसीलिए ये बर्डन हो रहा था एसएससी पे, टैक्स पेयर पे। तो उन्होंने क्या निकाला देखो, शैल बी चार्जेबल टू द इनकम टैक्स एज हिज इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर बाय हिम। क्या होता है, मेरे पास आज प्रॉपर्टी है, मैंने वो कैप स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट जरूर किया, बट मैंने कन्वर्ट किया है बच्चों, मैंने अभी तक बेचा नहीं है, और जब तक बेचूंगा नहीं तब तक पैसा नहीं आएगा, और जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक कैपिटल गेन का टैक्स नहीं पे कर पाऊंगा। तो इसीलिए जिस साल में कन्वर्ट किया उस साल में आपको सिर्फ टैक्स को कैलकुलेट करना है, जिस साल में कन्वर्ट किया है उस साल का सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करना है, उसका पेमेंट। तो शैल बी चार्जेबल टू द इनकम टैक्स एज अ इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड सोल्ड एंड अदरवाइज ट्रांसफर्ड बाय हिम। तो उस साल में टैक्स कैलकुलेट करो, और सिर्फ उस टैक्स का पेमेंट कब करोगे, जब ये एक्चुअल स्टॉक इन ट्रेड जिस साल में बेचोगे उस साल में आपको उसका टैक्स का पेमेंट करना है। ठीक है, तो देखो जब हम प्रैक्टिकल सम लेंगे तो समझ में आएगा, बट इतना दिमाग में लीजिए, आज मैंने कन्वर्ट किया तो आज मुझे टैक्स पे करना नहीं है, बट जिस साल में वो मैं सारा स्टॉक इन ट्रेड पे करता हूं तो मैं आज कैपिटल गेन नहीं भर सकता, तो उस साल में भर दूंगा। बट कैपिटल गेन कैलकुलेट कब करोगे, जिस साल में कन्वर्ट किया है उसी साल में कैपिटल गेन कैलकुलेट करके रखो। मान लीजिए कि कैपिटल गेन आया 10 रुपए, 10 रुपए आज नहीं पे करना है, जब ये स्टॉक इन ट्रेड बेचोगे तब ये 10 रुपए पे करना है, मतलब इस साल में सिर्फ कैलकुलेट करना है, पे नहीं करना है। आगे, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन। देखो कितना गेन हुआ वो तो निकालना पड़ेगा ना, कि जिस दिन कन्वर्जन किया था उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी उस स्टॉक की, क्योंकि आपने कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट किया, तो उस साल जिस साल में कन्वर्ट किया उस साल की फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक, दैट विल बी द सेल कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एसेट, दैट विल बी द सेल कंसिडरेशन ऑफ कैपिटल एसेट, मतलब जो कैपिटल एसेट कन्वर्ट किया मतलब उसको सेल किया, इनकम टैक्स के लैंग्वेज में आपने जब कन्वर्ट किया तो उसको सेल किया, तो उस सेल का वैल्यू क्या होगा, तो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड इन विच इट इज कन्वर्टेड, जिस साल में कन्वर्ट किया उसकी फेयर मार्केट वैल्यू इज डीम्ड टू बी अ फुल वैल्यू कंसिडरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द कैपिटल गेन। तो चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेशन पार्ट ने सिर्फ थियोरेटिकली पार्ट, कैलकुलेटिव पार्ट वाला एग्जाम्पल हम बाद में लेते हैं। तो यहां पे देखिए, अभी ये आ गया मिस्टर बॉब, ये देखो मिस्टर बॉब दिख रहे हैं। तो मिस्टर बॉब कहते कि मेरे पास ये लैंड है ना, अच्छी खासी लैंड है बॉब के पास। देखो अभी देखो, ही ओन्ड अबाउट 40,000 स्क्वायर फिट लैंड। तो ये कहता है कि ये जो 40,000 स्क्वायर फिट लैंड है इसकी ओन्ड है, ठीक है। नाउ ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ सेल ऑफ प्लॉट, तो चलो उसको प्लॉटिंग का बिजनेस करना है। फॉर दैट पर्पज ही हैज कन्वर्टेड हीज लैंड, मतलब ये सारी लैंड कन्वर्टेड इन टू द 10 प्लॉट्स ऑफ 4,000 स्क्वायर फिट ईच, मतलब 40,000 स्क्वायर फिट का उसने 10 प्लॉट बनाया, और एवरी प्लॉट कितने का बनाया, 4,000 स्क्वायर फिट का बनाया। कब बनाया, 1/10/2023, मतलब इस साल में 23-24, 23-24 में उसने वो कन्वर्ट किया हुआ है। तो कन्वर्जन इस साल में हुआ, तो फेयर मार्केट वैल्यू भी किस साल का कंसिडर करेंगे, इसी साल का। तो देखो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब इसी साल में ही हैज सोल्ड 4 फ्लैट्स, इसने कन्वर्ट कर लिया और 4 प्लॉट अभी बेच भी दिए, 6 प्लॉट्स उसने अगले साल बेच दिया 24-25 में, मतलब 6 प्लॉट अगले साल, 4 प्लॉट इस साल। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तो सो फॉर 4 प्लॉट का कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द AY 24-25, मतलब इसी साल। AY की बात चल रही है ना, क्योंकि PY ये है तो AY में हम टैक्सेबल करते हैं, तो प्रोपोर्शनेटली मतलब 4 प्लॉट का जितना कैपिटल गेन होगा प्रोपोर्शनेटली उतना ही इस साल टैक्सेबल करेंगे, और बचा हुआ 6 प्लॉट का जो भी होगा वो अगले साल कैलकुलेट करेंगे, अगले साल टैक्सेबल करेंगे क्योंकि अगले साल बेचेंगे। और नीचे और लिखा हुआ है कि फॉर 4 प्लॉट्स बिजनेस इनकम इज टैक्सेबल इन द सेम ईयर, मतलब क्या हो गया,
इस साल में मैंने 4 प्लॉट बेच दिए, 6 प्लॉट का तो अगले साल में चला गया, बात खत्म, उसको खत्म कर दो। 4 प्लॉट अभी बेचा, तो 4 प्लॉट का अभी बेचा तो 4 प्लॉट के प्रोपोर्शनली कैपिटल गेन भी इस साल भरना पड़ेगा, और 4 प्लॉट बेच दिया तो उसमें बिजनेस इनकम भी होगा, तो 4 प्लॉट का बिजनेस इनकम भी यहां पे टैक्सेबल हो जाएगा। बिजनेस इनकम मैंने एडिशनली बताया आपको, बट कैपिटल गेन सिर्फ 4 प्लॉट का कैपिटल गेन इस साल टैक्सेबल होगा, 6 प्लॉट का कैपिटल गेन वो आपको अगले साल टैक्सेबल होगा। तो बच्चों लाइक और शेयर करना मत भूलना, बिकॉज ऑफ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। थैंक्स अ लॉट बच्चों।